इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर सुबह मवेशियों की सड़कों पर भारी तादाद में लंबी लाइन देखकर हर व्यक्ति की जिज्ञासा जाग गई और वह जानना चाह रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मवेशी कहां से आ रहे हैं और कहां ले जाए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे का कारवां खातेगांव नगर की सीमा से गुजरा तो कुछ देर तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। 500 से ज्यादा पशुओं को लगभग एक दर्जन ग्रामीण हाक कर सतवास की ओर ले जा रहे थे, जिसकी अगुवाई संदलपुर के ग्रामीण कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि यह पशु खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाईवे पर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। यह पशु अन्य गांव के जिन्हें ग्रामीण संदलपुर नेमावर के बीच में छोड़ जाते हैं, ऐसे पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। संदलपुर एवं आसपास के ग्राम के ग्रामीणों के आपसी चंदा इकट्ठा कर ऐसे सभी पशुओं को पुनासा के जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सभी लोगों ने इन्हें पुनासा के जंगल में छोड़ने के लिए वहां इन पशुओं को वहां चराने के लिए चरवाहों की व्यवस्था भी की। कणा रामनगर की गाय है, इससे किसान बहुत परेशान हो चुका है। आए दिन रातों में नुकसान कर रही, सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है, इसलिए इन्हें पुनासा जंगल में ले जाए। व्यवस्था वहाँ पर रहेंगे, वहाँ चराने वाले करें, वहाँ 4-5 लोग तो वो उन्हें चराएंगे वहाँ जंगल। संदलपुर सहित एक दर्जन से अधिक ग्रामों के किसान आवारा पशुओं से लंबे समय से परेशान थे। ये पशु उनके खेत में घुस जाते और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इन पशुओं से परेशान होकर किसानों ने एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक सभी पशुओं को छोड़ने के लिए पुनासा डैम ले गए, जहां पशुओं को छोड़कर एक चरवाहे की व्यवस्था भी की गई है। समाचार एक्सप्रेस के लिए अनिल उपाध्याय की। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।